नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर व्यापार जगत की टॉप 10 खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। मंगलवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद मंगलमय साबित हुआ। आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक में जोरदार खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 455 अंकों की उछाल के साथ 72,186 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंकों के उछाल के साथ 21,939 अंकों पर बंद हुआ है। वहीं पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में 42% की गिरावट के बाद आज पेटीएम के शेयरों में भी कुछ खरीदारी देखी गई। चावल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र की मोदी सरकार आज से भारत चावल को बाजार में उतारने जा रही है। सब्सिडी वाला ये चावल 5 किलो और 10 किलोग्राम की पैकिंग में उपलब्ध होगा और महज 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। भारत दाल और भारत आटा के बाद इसे केंद्र सरकार की बड़ी पहल बताया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत चावल की बिक्री का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने मंगलवार को दक्षिण गोवा में ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोवा में 6 से 9 फरवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम में भारत और ऊर्जा उत्पादक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लीबिया, सूडान और घाना के ऊर्जा मंत्री और ओपेक महासचिव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने दुनिया के कारोबार जगत में एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में लगातार दूसरे साल मुकेश अंबानी दूसरी पोजीशन पर काबिज है। इस मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक और टेस्ला के एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी डाइवर्सिफाइड ग्रुप की कैटेगरी में टॉप रैंक वाले सीईओ भी बन गए हैं। गौतम अदानी के नेतृत्व वाला अदानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट खोलने जा रहा है। ये प्लांट गुजरात के मुंद्रा में बनेगा। इस प्लांट से देश का कॉपर आयात कम होगा। कॉपर प्लांट पर अदानी ग्रुप लगभग 1.2 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसका पहले फेज मार्च के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। प्लांट की क्षमता वित्त वर्ष 2029 के अंत तक लगभग 10 लाख टन की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 10 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है उसको देखते हुए हमारी सरकार के तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। केरल में अब शराब पीना महंगा पड़ेगा। दरअसल सरकार ने राज्य का बजट पेश करने के दौरान शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केरल सरकार के इस बजट में सरकार का पूरा फोकस राज्य की इकोनॉमी को मजबूती देने, सरकार के रेवेन्यू में इजाफे और फाइनेंशियल ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के प्रयासों पर रहा। इसी क्रम में राज्य के वित्त मंत्री ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर एक नया उत्पाद शुल्क लागू किए जाने का ऐलान किया। EMI में कमी का इंतजार कर रहे लोगों की मुराद फिलहाल पूरी नहीं होगी। दरअसल 6 से 8 फरवरी को होने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दरों में लगातार छठी बार कोई बदलाव ना किए जाने का अनुमान है। फिलहाल रेपो रेट 6.5% पर है और ये 8 फरवरी 2023 को 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद से एक साल से इसी स्तर पर बना हुआ है और रिटेल महंगाई दर को 4% के लक्ष्य के करीब लाने के लिए इसमें कोई कमी नहीं किए जाने के आसार है। घरेलू बाजार में IPO की गहमा गहमी के बीच साउथ कोरिया की वाहन कंपनी ह्युंडई अब भारतीय इकाई का IPO लाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि कंपनी इस साल दिवाली के आसपास IPO ला सकती है।
कहा जा रहा है कि Hyundai इंडिया का प्रस्तावित IPO करीब 25,000 करोड़ का होगा और अगर ऐसा हुआ तो ये देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। भारतीय शेयर बाजार में अब तक LIC ने ही सबसे बड़े IPO का रिकॉर्ड बनाया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने कहा है कि वो भारतीय कानूनों का पूरा पालन करती है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी किसी भी गतिविधि से उसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि पेटीएम बैंक में कई निष्क्रिय और बिना KYC के अकाउंट्स भी पाए गए हैं जिन्हें लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का शक जताया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर सकता है। व्यापार जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।